Hello student, welcome once again to the web classes. So today again we are going to have the same chapter, bank reconciliation statement. In the previous lecture we had completed till I think illustration number 5. So this is lecture number 3. By mistake it is written it as 2, so this is lecture number 3 for the 11th commerce English medium. Now let's have the next illustration. So I think this is clear to you. Balance debit as per cash book means positive bank balance. Balance credit as per passbook means bank overdraft. Sorry, cash book means bank overdraft. And as per passbook, debit balance means bank overdraft. And as per passbook, credit balance means bank balance means positive. Is that clear? तो एक बार फिर से देखो, ये आ गया तो sums आ जाएंगे. तो cash balance का positive balance मतलब होता है debit, नेगेटिव बैलेंस होता है क्रेडिट. पासबुक का नेगेटिव होता है डेबिट और पॉजिटिव होता है क्रेडिट. इज दैट क्लियर? सो इलस्ट्रेशन 4 हो चुका था हमारा, इलस्ट्रेशन 5 भी हो चुका था. नहीं, इलस्ट्रेशन 5 मेरे ख्याल से नहीं हुआ था. लेट मी, या इलस्ट्रेशन 5 जो है वो बाकी था. सो लेट्स हैव इलस्ट्रेशन नंबर 5. क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन 5? सो इलस्ट्रेशन 5 कह रहा है प्रिपेयर बैंक प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द डेबिट क्रेडिट कॉलम मेथड फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन 3. तो इलस्ट्रेशन 3 की इन्फॉर्मेशन लेनी है. तो ये रही हमारे पास इलस्ट्रेशन 3 की इन्फॉर्मेशन. क्या कह रही है इलस्ट्रेशन 3? सो पासबुक ऑफ कैलाश शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000. तो कैलाश का जो पासबुक है, ठीक है, पासबुक मतलब अगर आप पासबुक से स्टार्ट करोगे तो आप पासबुक को ही एडिट कर पाओगे, कैशबुक को एडिट नहीं कर पाओगे. ध्यान रखना, जो भी आप कम ज़्यादा करने वाले हो अपनी मर्जी से वो आप पासबुक में कर पाओगे. नाउ द पासबुक शोज क्रेडिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव बैलेंस 30,000 ऑन 31st 3 2015, विच डज नॉट एग्रीज विद द बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाई कंपेयरिंग द कैशबुक एंड पासबुक. प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ कैलाश फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट दैट 30,000 इन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. सो हियर वी हैव बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 30,000. नाउ आपने पासबुक से स्टार्ट किया है मतलब आप पासबुक को ही एडिट कर पाओगे, आप कैशबुक को एडिट नहीं कर पाओगे. ये चीज दिमाग में क्लियर कर लो, ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक ऑफ 10,000 वाज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड इन कैशबुक बट बाय मिस्टेक इट वाज नॉट हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर. मतलब एक चेक जो है 10,000 का वो लिखा गया, ठीक है, कैशबुक में, लेकिन क्रेडिटर को दिया नहीं गया. तो इसका क्या होगा? सो चेक लिखा गया मतलब क्या हुआ इसका? तो देखो मैं दो लाइंस प्रिपेयर कर रहा हूं. मान लो कि ये वाला जो है वो हमारा कैशबुक है और इधर वाला जो है वो पासबुक है. तो चेक लिखा गया मतलब आपने कैशबुक में एंट्री कर दी होगी, तो कैशबुक हो गया डाउन, कैशबुक हो गया डाउन, लेकिन क्रेडिटर को दिया नहीं, मतलब पासबुक अपनी जगह पर ही है. तो हम इस बार पासबुक को एडिट कर पाएंगे, कैशबुक को नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि आपने पासबुक से स्टार्ट किया है. तो हम क्या करेंगे, पासबुक को भी डाउन करेंगे. पासबुक को डाउन करने का मतलब क्या हुआ? पासबुक को माइनस करने का मतलब हुआ पासबुक को डेबिट करना. क्या करना? डेबिट करना. अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मीन्स नेगेटिव बैलेंस. तो पासबुक को डेबिट करोगे तो ये एंट्री आपको 10,000 की डेबिट साइड में मिलेगी. देख लीजिए, ये रहा डेबिट 10,000 रुपीज, चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू अ क्रेडिटर. होपफुली इट इज क्लियर. नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन, बैंक हैज पेड 20,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम. ओके, 20,000 बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम के पे कर दिए हैं, फॉर विच कैलाश रिसीव्ड इंफॉर्मेशन ऑन 2/4/2015. नाउ सी अगेन, दिस इज कैशबुक एंड दिस इज पासबुक. बैंक ने पे कर दिया मतलब बैंक आ गई नीचे, ठीक है, पासबुक आ गया नीचे. कैशबुक में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, कैशबुक जहां है वहां का वही है. तो क्या करोगे,
आप पासबुक को वापस से क्या करोगे, ऐड करोगे। तो फिर हम वापस से ऐड कर देंगे, तो ऐड करने का मतलब होता है क्रेडिट करना। तो ये ट्रांजेक्शन आपको क्रेडिट साइड में मिलेगा 30,000 का। देखिए 30,000 क्रेडिट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कुछ इश्यू है लगता है, एक जस्ट अ सेकेंड, हाँ वापस चलो ज़रा। बैंक हैज़ पेड, ओके 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 ओके, मैंने ये लाइन रीड कर ली ना, बैंक हैज़ पेड 20,000 इंश्योरेंस प्रीमियम और कैलाश ने जिसकी इन्फॉर्मेशन जो है बाद में मिली। हाँ तो 20,000 की इफेक्ट आएगी, कौन सी 20,000 की इफेक्ट आएगी, देख लीजिए। तो ये जो 20,000 की इफेक्ट है ये 20,000 के इफेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ऊपर एक एंट्री छूट गई है, वो एंट्री देख लीजिए ज़रा, क्या है सेकंड नंबर, अ चेक ऑफ 30,000 इज बैंक्ड। बैंक्ड का मतलब होता है डिपॉजिट करवाया बैंक में, फॉर विच क्रेडिट इज गिवन बाय द बैंक ऑन 1/4, मतलब अगले महीने क्रेडिट मिला। इसका मतलब क्या हुआ, हम मार्च की बात कर रहे हैं, तो ये रहा कैश बुक और ये रहा पासबुक। आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया मतलब कैशबुक में एंट्री हो गई, कैशबुक चला गया ऊपर, पासबुक में वो पैसे अभी तक आए नहीं है। तो क्या करोगे, तो आप पासबुक को भी ऐड करोगे, उतना ही ऐड करोगे। तो पासबुक को ऐड करने का मतलब होता है क्रेडिट करना। तो ये 30,000 आपको क्रेडिट में मिलेगा। देखिए क्रेडिट में ये रहा 30,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड इन बैंक अप टू 28/3/2015। नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन, 30,000 आर डिपॉजिटेड बाई कस्टमर डायरेक्टली इन द बैंक विच इज़ अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो देखो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो गया, मतलब पासबुक चला गया ऊपर, कैशबुक अपनी जगह पर ही है। आप कैशबुक को तो एडिट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने स्टार्ट किया है पासबुक से, तो पासबुक को वापस से कम कर दो। कम करना माइनस करना, माइनस का मतलब होता है डेबिट करना, तो यहाँ हम पासबुक को करेंगे डेबिट। तो ये 30,000 आपको डेबिट में देखने मिलेगा। ये आप देखिए 30,000 डेबिट में, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नाउ द नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ 1,000 क्रेडिटेड इन पासबुक बाय बैंक, ओके, विच रिमेन्स अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो देखो ये रहा पासबुक, ये रहा कैशबुक, ये रहा पासबुक। तो पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ का मतलब प्लस हुआ, तो 1,000 रुपये ऊपर आए, लेकिन कैशबुक में उसकी एंट्री नहीं की है। तो क्या करोगे, आप इसको वापस से नीचे कर दोगे, मतलब माइनस करोगे। माइनस का मतलब होता है डेबिट करोगे, क्या करोगे डेबिट करोगे। तो ये 1,000 की एंट्री आपको डेबिट में देखने को मिलेगी। सी 1,000 इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके नाउ द नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 60,000 विच वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक इज डिसऑनर्ड एंड इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड ऑन 2/4/2015। ओके, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि 60,000 का एक चेक था जो बैंक में हमने कराया था डिपॉजिट, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें कि ये अगर कैशबुक है, तो कैशबुक को आपने कर दिया था ऊपर, 60,000 कर दिया ऊपर, ठीक है, है ना। बट बैंक में वो क्या हो गया, बाउंस हो गया, मतलब क्रेडिट हुआ नहीं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ आप कैशबुक को तो एडिट नहीं कर सकते, मतलब आप पासबुक को ऊपर लाओगे, मतलब प्लस करोगे। तो 60,000 आपको करना है प्लस, क्लियर है, 60,000 आपको करना है प्लस। नाउ चलिए 60,000 प्लस मतलब क्रेडिट, देखिए 60,000 नो इफेक्ट इज गिवन इन कैशबुक फॉर डिसऑनर फॉर अ चेक विच वॉज डिपॉजिटेड, क्लियर है इतना। वापस एक बार क्लियर समझा दूं, देखो 60,000 जो है वो बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया था, ठीक है, मतलब हमने कैशबुक को ऊपर कर दिया था, लेकिन पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं हुई, तो पासबुक को भी हम ऊपर करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे। इज दैट क्लियर। नाउ सेवन नंबर, सेवन नंबर क्या कह रहा है,
चेक ऑफ 10,000 वर इश्यूड, ओके, इश्यू मतलब होता है लिखना, चेक ऑफ 8,000 वर आर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31/3/2015। देखो बहुत अच्छा, बहुत मस्त, मतलब ट्रांजेक्शन है ये। कैश मान लो ये कैश बुक है और ये पासबुक है, आपने चेक लिखा 10,000 का, तो ये माइनस हो गया आपके कैश बुक में कितना, 10,000। लेकिन बैंक में अभी तक, मतलब बहुत सारे चेक लिखे होंगे, दो तीन चेक होंगे शायद, दो दो तीन तीन हज़ार वाले, लेकिन बैंक में अभी तक 8,000 तक के चेक पास हो गए। मतलब यहाँ अगर बैंक बैंक कॉलम अगर देखो तो बैंक ने भी माइनस किया है, लेकिन बैंक ने 8,000 ही माइनस किया है, ठीक है। तो अभी भी शॉर्टफॉल कितने का है, तो शॉर्टफॉल अभी भी कितने का है, 2,000 का है ना। तो हम 2,000 रुपया और माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने का मतलब क्या होता है, माइनस करने का मतलब होता है पासबुक के हिसाब से डेबिट करेंगे, ठीक है। तो 2,000 जो है हम डेबिट करेंगे, देख लीजिए, ये रहा 2,000 डेबिट। क्या लिखेंगे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, इज दैट क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से समझने की कोशिश कीजिए। चेक ऑफ 50,000 वर डिपोजिटेड इन द बैंक बट आउट ऑफ दिस बैंक हैज गिवन क्रेडिट फॉर 30,000। ओके, तो देखो ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक, हमने बैंक में जमा करवाए 50,000 के चेक, ठीक है, और बैंक ने अभी तक जमा किए हैं 30,000 के चेक। मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप अभी फिल करना बाकी है, कितने का, 20,000 का। तो रिकॉर्ड करेंगे तो 20,000 हम और ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ऐड का मतलब होता है क्रेडिट करेंगे, तो ये 20,000 आपको क्रेडिट में देखने को मिलेगा। ये रहा 20,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। देन नाइन नंबर, अ चेक ऑफ 8,000 वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वॉज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये 8,000 का चेक हमने डिपॉजिट करवाया था, ठीक है, लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। क्या बोल रहे हैं, 8,000 का चेक जो है वो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, है ना। तो 8,000 का चेक डिपॉजिट करवाने का क्या मतलब हुआ, कि ये मतलब हुआ कि आपने जमा करवाया और कैश बुक में लिखा नहीं, मतलब कैश बुक में कोई एंट्री होगी नहीं और बैंक में 8,000 रुपये आ चुके हैं। तो अब क्या करोगे पासबुक के बराबरी में जाने के लिए, तो यहाँ से वापस से माइनस करोगे, तो यहाँ माइनस करने का मतलब है हम इसको डेबिट करेंगे, तो 8,000 जो है वो डेबिट होगा। इज दैट क्लियर, वापस से समझा देता हूँ। देखो 8,000 का चेक हमने बैंक में जमा करवाया लेकिन वो कैश बुक में लिखा नहीं, तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, लेकिन पासबुक में 8,000 आ चुके हैं। आपको कैश बुक के बराबर जाने के लिए आपको ये वापस से डाउन करना पड़ेगा, सो 8,000 रुपीज़ जो है वो हो जाएगा डेबिट। तो ये डेबिट में 8,000 रुपीज़ क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस एंड कमीशन 2,000 डेबिटेड बाय बैंक। कभी कभी देखो, कभी कभी अगर ज़्यादा दिमाग ना लगाना हो तो बैंक अगर डेबिट करती है तो हमें करना होता है क्रेडिट, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। इन द पासबुक ऑफ कैलाश फॉर विच नो एंट्री इज पास्ड इन कैश बुक। सो देखिए 2,000 का डेबिट, डेबिट का मतलब होता है, देखो ये जो बैंक ने क्या किया है, तो बैंक ने हमारे 2,000 रुपये माइनस कर लिए लेकिन उसकी एंट्री कैश बुक में हुई नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको वापस से ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब होता है क्रेडिट करेंगे, सो 2,000 हम करेंगे क्रेडिट। तो इस तरह से ये रहा 2,000, ये हमने किया क्रेडिट, किया बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब क्या करना है, सो नेक्स्ट वर्क इज आप क्रेडिट साइड का पूरा टोटल करोगे और डेबिट साइड का टोटल करोगे, जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड लिखना है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, दैट इज़ 1,62,000, ये सेम टोटल लिखा जाएगा यहाँ पर, और उसमें डेबिट की जितने भी अमाउंट थी वो सारी माइनस कर दी जाएगी। तो माइनस करते हैं तो आता है 1,11,000। तो आपने ऊपर पासबुक से स्टार्ट किया था, तो ये जो बैलेंस मिलेगा ये मिलेगा कैश बुक का, तो दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब बैंक बैलेंस। इज दैट क्लियर, सो होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। नाउ इफ दिस इज क्लियर टू यू, दैट इज सफिशियंट फॉर दिस लेक्चर। डू दिस क्वेश्चन 2 to 3 times, ठीक है। सो आपको इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 जो है वापस से डेबिट क्रेडिट मेथड से कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।